नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन पागलों वाली हरकतें बंद करो। कोई भी उसका दामाद अच्छा है या बुरा ये टेस्ट करते हैं, पर पागल वाले टेस्ट की शुरुआत तो तुमसे ही हुई है। ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है ना। कॉम्प्रोमाइज किसके साथ? वही तुम्हारी मदर, ग्रैंड मदर और तुम्हारा छोटा ब्रदर। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर ही बैलेंस है, उनके लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, डोंट वरी। अटेंशन प्लीज, हमारे ब्रांड न्यू मोबाइल को प्रमोट करने के लिए हमने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। आप लोगों में से जिसकी बेस्ट सेल्फी होगी उन्हें इनाम में 10 लाख रुपए की कार मिल सकती है। हम भी रेडी है। कुलकर्णी, ये कहाँ है? अभी अभी उस तरफ गया है सर। सब खा खा के सांड हो रहे हो, तुम में से एक दूसरे पकड़ नहीं पाया? उसका फोन नंबर मिल गया है भाई। ओपन गंगम स्टार। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बाप जी, मेरे आदमी को मारकर अपनी माशुका के साथ पूरे शहर में घूम रहा है तू, उससे पंगा लेके कैसे जी पाएगा तू? तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी मौत कैसे होगी ये मैं तय करूंगा। वो बाप जी को मेरा नंबर मिल चुका है और वो मुझे बता रहा था कि वो मुझे कैसे मारेगा। ए, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है सर वो? इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे जाकर मारो। अरे तुम भी ना, तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या? मैं तुम्हें चीख चीख कर कह रहा हूँ कि वो मुझे मारेगा और तुम कह रहे हो मैं उसे मार दूँ? अरे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फाइल नहीं मिल रही मतलब? मैंने तो संभाल के रखी थी जी, पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी आसानी से बोल दिया, फाइल नहीं मिल रही है। अंकल वो फाइल मेरे पास है, एक्चुअली बाहर गिर गई थी, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट होगा ये सोचकर मैंने अपने पास रख ली। थैंक यू वेरी मच। जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ। ओके। गुड बॉय। इसमें तो फाइल है ही नहीं। कहाँ गई? गई भैंस पानी में। ये फाइल कहाँ है? फाइल नहीं मिल रही है अंकल। फाइल नहीं मिल रही? तुमको उस फाइल की वैल्यू मालूम है क्या? वो फाइल इंपॉर्टेंट है, तुमको कैसे पता? वो सर। चुप, जल्दी बोल। आपको इंप्रेस करने के लिए कुलकर्णी ने ये आईडी दिया था मुझे। कुलकर्णी? वही सर जिसने मुझे आंखें दी हैं। ये आत्मा। सुना ना, अभी भी आत्मा दिखाई दे रही है, अब तो मानोगी ना कि ये मेंटल है। तेरे पागलपन से वो नीच कुत्ता कमीना हंसते हंसते जेल से बाहर आ जाएगा। एक हफ्ता ये घर में रहा तो ये हाल है, पूरी लाइफ रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। नेत्रा मेरी बात मानो, मैं पागल नहीं हूँ नेत्रा, मुझे सच में आत्मा दिखाई देती है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि वो आत्मा मैं देख सकता हूँ। ये बिल्कुल सच कह रहा है, इसका भरोसा कीजिए। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। तेरे जैसा पागल मेरे साथ होगा तो बदनामी होगी। चल निकल यहां से। आत्मा दिखी। गौतम सॉरी यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। बस बहुत हो गया। मेरे प्यार और उसके घर वालों के सामने तुमने मुझे पागल बनाया। वो गुंडा कलिया परसों मुझे मार देगा। आंखें मिलने के बाद मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन एक भी काम होने दिया तुमने? तुम्हारा क्या? अरे तुम तो मर चुके हो, अपना प्यार खोने का गम क्या होता है ये तुम जानते हो? लेकिन अब नहीं, ये आंखें ही सारी प्रॉब्लम है ना, अब ये आंखें ही नहीं रहेंगी, निकाल दूंगा इन्हें। ए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? 25 साल में अंधा ही था, आगे भी ऐसे ही जी लूंगा। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं चाहिए, कल ही निकाल दूंगा। ए, गौतम। अब बताइए सर, मेरी आंखें निकालना सही है या नहीं? अरे यार तुम्हारी बात काफी अटपटी है, मेरे तो गले नहीं उतर रही है। तो ये सोचो
वो लोग ये बात कैसे मानेंगे? देखो, ये फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकते। तुम कल मिलो, फिर सोचते हैं। सोचना नहीं है सर, काम पूरा होना चाहिए। सुनो, तुम रहते कहाँ हो? MBB कॉम्प्लेक्स। चलो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं सर, मैं चला जाऊँगा। चलता हूँ सर। कैसे हो डॉक्टर? बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। गौतम के बारे में बात करनी है। अरे वो पागल है, उसके बारे में क्या बात करनी है? जरूरी बात है। अचानक एक आदमी पागलों की तरह बिहेव करता है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। वैसे ही गौतम के केस में क्या वजह है ये पता चल गया है। आत्मा। यस, सच में गौतम को आत्मा दिखती है। आत्मा कैसे दिखेगी? तू बता मुझे, तू डॉक्टर होके बिलीव करता है इन बातों पे? हाँ करता हूँ, क्योंकि अभी भी साइंस के पास काफी सारे सवालों के जवाब नहीं है। असल में गौतम के बारे में तुम कितना जानते हो? अगर आत्मा सच नहीं है तो ये बताओ उस कुलकर्णी के बारे में कैसे पता चलता? आत्मा दिखती है ऐसा कहकर लोगों के सामने पागल बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो, यही उसे समझ नहीं पाया और उसे पागल कहकर टॉर्चर करता रहा। वो तुम्हारी बेटी को ना देखे, यही थी ना कंडीशन? जो आंखें उसे ना देख पाए उन आंखों का क्या फायदा? इसलिए वो मेरे पास आया था अपनी आंखें निकलवाने। एक और बात, अभी तक उसने जितनी भी गलतियां की हैं वो अपनी मर्जी से नहीं की है, उसी आत्मा ने उससे करवाई है। ओपन गंडम स्टार। हेलो गौतम, एक गुड न्यूज है। क्या है सर? तेरा ससुर मेरा दोस्त है, मैंने उससे बात की है। अब तुम्हें आंखें निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओए, यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। रंजीत कुलकर्णी व्यापारी, ये क्या है? ए, रुको रुको, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ये जर्नलिस्ट है ना? ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट है। अरे भाई ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? मैं एक जर्नलिस्ट था, उसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करना चाहता था। अच्छा तो वो सब लोग कौन है? वो उनके फैमिली मेंबर्स है सर। फैमिली मेंबर्स? मैं बैचलर मरा था। पिछले महीने फॉरेन से आने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक? तो फिर एक्सीडेंट? ओके थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तुम रहते कहाँ? MBB कॉम्प्लेक्स। ड्राइवर MBB कॉम्प्लेक्स चलो।